So continuing with the third part, which is traditions of classical performing arts. You know that classical जो चीज़ होती है वो जब कोई सीखता है तो उसके कोई rules and regulations फॉलो किए जाते हैं, और performing art क्या है कि कोई भी आर्ट को जब आप परफॉर्म करते हो, जैसे डांस, म्यूज़िक, थिएटर्स, ये सारे चीज़ें परफॉर्मिंग आर्ट में आती है, और ये सारे चीज़ इंडिया में बहुत ही फेमस है. एंड वी हैव अ ग्रेट रिच हेरिटेज ऑफ दिस आर्ट. द टेक्स्ट ऑफ नाट्य शास्त्र रिटन बाय भारत मुनि इज सपोज टू बी द अर्लीस्ट वन डिस्कसिंग म्यूजिक एंड थिएटर. बहुत ही फेमस है भारत मुनि जी, जिन्होंने एक टेक्स्ट यानी एक किताब लिखी थी नाट्य शास्त्र के ऊपर, और उसमें डिस्कस किया है उन्होंने म्यूजिक और थिएटर. थिएटर क्या होता है कि जहाँ पर नाटक परफॉर्म किया जाता है, एक्टर एक्सप्रेसेस ऑल हिज इमोशंस एंड फीलिंग्स, उसमें कोई रिटेक्स नहीं होते हैं. नाटक जो होता है वो काफ़ी क्रिटिकल आर्ट होता है. वहाँ पर एक बार अगर नाटक स्टार्ट हो गया तो अंत तक उन्हें एक ही टेक में सारा परफॉर्मेंस करना पड़ता है. नॉट लाइक अ मूवी वेर यू कैन हैव अ टेक्स. द 9 मूड्स दैट इज कॉल्ड एज 9 रासा सपोज टू बी द फंडामेंटल इन प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स. 9 चीज़ें जो है काफ़ी फंडामेंटल है फॉर द क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स. फर्स्ट वन इज श्रृंगार, दैट इज लव. वन शुड हैव लव in that act. Then हास्य, humor is important. Then बिभत्स, repulsion. Repulsion, जैसे आप अगर रामायण देख रहे हो, रामायण में there is God which is Ram and there is other one which is Ravan. So they have a repulsion, यानी दोनों में टकराव है. That's why their रामायण जो है वो हुआ है. Then रौद्र, terrible things happen. टेरिबल थिंग्स में आप देख सकते हो कि रावण जिन्होंने सीता का हरण किया था, सो दैट इज़ अ टेरिबल थिंग. सो स्टोरी जो होता है उसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए. जो आप अगर एक्ट परफॉर्म करोगे तो ये हास्य भी होना चाहिए, श्रृंगार होना चाहिए, विभत्स होना चाहिए एंड रौद्र होना चाहिए. करुणा, सैडनेस भी होना चाहिए. वीर, हीरोइक, जैसे लॉर्ड राम डिफीटेड रावणा, सो दैट इज़ अ हीरोइक थिंग ही डिड. देन भयानक, फियरफुल, आप देख सकते हो कि काफ़ी राक्षस भी थे रामायण में इफ़ यू हैव वॉच्ड इट. देन अद्भुत, वंडरस थिंग्स, यानी ऐसी भी चीज़ें होनी चाहिए कि जो अद्भुत है, जो कॉमन आदमी नहीं कर सकता है. जैसे लक्ष्मण जो भगवान थे उनको जड़ी बूटी चाहिए थी फॉर द ट्रीटमेंट, तो लॉर्ड हनुमान वेंट टू हिमालयाज एंड उन्होंने वहाँ से हिमालय का एक पर्वत उठाकर लाया था. सो दैट इज़ अ वंडरस थिंग. सो एक स्टोरी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट. अभी रामायण जो है वो एपिक्स है, एपिक टेक्स्ट रिट, सो दैट वी कैन नॉट कंपेयर इट विद दिस completely, but I just want to have some connection, so I am using this example. Then शांत भी होना चाहिए, पीसफुल चीज़. सो दिस ऑल आर द फंडामेंटल यानी इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट में होना चाहिए. देन इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में और एक चीज़ आती है फोक आर्ट. जैसे मैंने बताया फोक आर्ट जो होता है वो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं. कोई एक पर्टिकुलर सोसाइटी होती है, समाज होता है, और वो क्या करते हैं, उनके ट्रेडिशंस जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, और वो परफॉर्म्स फेस्टिवल्स में करते हैं. उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है. फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन पास ऑन होता है. तो वो भी हमें सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासिकल जो चीज़ें हैं वो सारे परफॉर्म नहीं करते, पर फोक आर्ट तो सब करते हैं. जैसे गणपति में डांस करना है तो वो भी फोक आर्ट हो गया. तो इंडिया हैज़ इंडिपेंडेंट एंड वेरिड ट्रेडिशंस ऑफ फोक सॉन्ग्स. फोक सॉन्ग्स बनाए गए हैं काफ़ी सारे. फोक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है. आप देखोगे कि अगर घर में जागरण या गोंधल होता है तो उसमें बहुत अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम पहले नहीं देखते हैं, टीवी पर भी नहीं देखते हैं. देन फोक डांसेस होते हैं, डांस का फॉर्म भी अलग होता है. फोक थिएटर वो परफॉर्म करते हैं पूरा स्टोरी जागरण गोंधल में, तो ये एक आप रिलेट कर सकते हैं उससे. देर आर मेनी रिच ट्रेडिशंस इन महाराष्ट्र ऑफ परफॉर्मिंग फोक आर्ट एंड दे आर डेवलप्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स. यानी फेस्टिवल अगर होता है तो ये परफॉर्म होता ही है, इसके बिना फेस्टिवल नहीं मना सकते. सो दैट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल. एंड टू नेम अ फ्यू, देर इज़ अ कोली डांस विच इज़ वेरी फेमस इन मुंबई. देन तारपा डांस है. उसके बाद दशावतार ऑफ कोंकण, पोवाड़ा, कीर्तन, जागरण गोंधल, तो ये सारे चीज़ें जो है हमारे महाराष्ट्र के फोक आर्ट में आता है. एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट इफ़ समवन इज़ परफॉर्मिंग एंड वी शुड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिकल म्यूज़िक. इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो होता है उसमें 2 टाइप्स है. फर्स्ट वन इज़ हिंदुस्तानी म्यूज़िक विच इज़ इन नॉर्थ साइड एंड कार्नेटिक म्यूज़िक जो है साउथ साइड में. उसमें और 2 फॉर्म्स क्लासिकल शास्त्रीय एंड सेमी क्लासिकल उपशास्त्रीय। उपशास्त्रीय जो है सेमी क्लासिकल, उसमें फोक म्यूजिक भी आता है। फोक म्यूजिक जैसे मैंने बताया, विच हैज़ नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, परफॉर्म बाय सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड दैट इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ थ्री म्यूजिक, वोकल, इंस्ट्रूमेंट एंड डांस। जैसे जागरण कौंधर को हम एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें म्यूजिक भी होता है, वोकल भी होता है, जो परफॉर्म करता है वो कुछ अल्फाज भी कहता है, इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं, डांस भी करते हैं, तो ये सारे चीज़ों का मिक्सचर होता है। वैसे ही इंडिया में क्लासिकल डांस फॉर्म्स है जिसमें भी ये सारे मिक्सचर्स हैं। जैसे कथक है नॉर्थ इंडिया का, लावनी पता है आपको महाराष्ट्र की, ओडिसी ऑफ ओडिशा, भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, कथकली एंड मोहिनी अट्टम। ये जितने भी क्लासिकल फॉर्म्स है उसमें चारों चीज़ें हैं, विच आर म्यूजिक, वोकल, इंस्ट्रूमेंट, डांस। सो दिस आर द डांस फॉर्म ऑफ क्लासिकल एज वी नो भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, ओडिसी एंड सत्रिया। नाउ वी विल स्टडी दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ये सारे जो फोक आर्ट्स है, क्लासिकल आर्ट्स है, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं एंड ये स्टिल परफॉर्म किए जाते हैं या नहीं। सो देर आर मेनी म्यूजिक फेस्टिवल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुमोरोलैंड और सम फेस्टिवल्स विच आर परफॉर्म्ड इन गोवा लाइक सनबर्न। हम फोक आर्ट या क्लासिकल आर्ट की बात कर रहे हैं, हम ट्रांस म्यूजिक की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सो वन शुड टेक ग्रेट प्राउड मूवमेंट होना चाहिए कि जो क्लासिकल और फोक आर्ट्स है हमारे, वो आज भी संगीत या थिएटर्स में परफॉर्म किए जाते हैं एंड उसके फेस्टिवल्स होते हैं, बट एज अ यूथ वी डोंट गो देयर। सो वी शुड नाउ ऑन स्टार्ट टू टेक टिकट्स, बाय टिकट्स एंड गो ओवर देयर। एक ऐसा ही सेम फेस्टिवल होता है सवाई गंधर्वा पुणे में, जो काफ़ी फेमस है एंड उसका इंक्लिनेशन हुआ है, बहुत सारे म्यूजिक स्टाइल्स जो है उसका फ्यूजन म्यूजिक बनाया है उन्होंने, कि जैसे जैसे अभी ट्रेंड आता है नया तो नया फ्यूजन म्यूजिक तैयार होता है। तो ये क्लासिकल और फोक आर्ट में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो वन शुड गो ओवर देयर एंड सी दैट व्हाट चेंजेस हैव बीन देयर एंड इफ यू लाइक इट यू विल हैव अ न्यू हॉबी। पंडित उदय शंकर जो थे, ही वॉज द वन हु हैड क्रिएटेड a new style, so he had created a fusion। फ्यूजन यानी क्या होता है कि पुराने और नए चीज़ को मिक्स करते हैं, रीमिक्स। जैसे आप देख सकते हो कि बहुत सारे पुराने गाने बॉलीवुड में रीमेक होते आ रहे हैं एंड दैट आर ऑल्सो फेमस, सो दैट फ्यूजन क्रिएट्स अ ब्यूटिफुल क्रिएशन। 4.4 Art, Applied Art and its Professional Opportunities। What is arts? Art history is an independent branch of knowledge. Whenever you are going to study about arts and its history, that will eventually give you knowledge, and there are various opportunities of research available in this field। आप हिस्ट्री में बहुत सारे रिसर्च कर सकते हो। जैसे एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न पीरियड है, तो आप एंशियंट पीरियड या मिडीवियल पीरियड में क्या क्या घटनाएं हमारे भारत में या फिर पूरे विश्व में, वर्ल्ड में हुई है, उसका आप स्टडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। अलग अलग जो पेपर्स पब्लिश होते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो ये सारे जगह पर हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि उसमें स्टडी कर सकते हो, वेरियस रिसर्च फील्ड्स में आप आपका योगदान दे सकते हो। तो सबसे पहले आप अगर आर्ट हिस्टोरियन बनते हो तो आपको जर्नलिज्म में उसका एक स्कोप है, आप जर्नलिस्ट बन सकते हो। देन आर्ट मार्केट एक इंडिपेंडेंट फील्ड है, अगर आपको किसी के पास जॉब नहीं करना है तो आप खुद एक किताब लिख सकते हो हिस्ट्री पे रिसर्च करके, या फिर आप कोई कॉलेज में प्रोफेसर भी बन सकते हो। इट कॉल्स फॉर अ स्पेशल एक्सपर्टीज़। देखिए अभी हिस्ट्री लिखना है या हिस्ट्री आपको अगर पेश करनी है तो आपको उसमें एक्सपर्ट होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आप अगर हिस्ट्री टीवी देखते होगे तो उस पर एक शो आता है जिसमें पुरानी जो वस्तुएं या ऑब्जेक्ट्स होती है, वो क्या करते हैं, पुरानी वस्तु उस दुकान में लाते हैं बेचने के लिए, क्योंकि वो पुरानी होती है तो कीमती होती है। पर वो जो मालिक होता है दुकान का, वो क्या करता है, एक एक्सपर्ट बुलाता है हिस्टोरिकल, कि सही में ये जो चीज़ लाई है कस्टमर ने ये रियल है या नहीं। तो ये एक्सपर्ट क्या करता है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर्ट ऑब्जेक्ट एंश्योर करता है कि वो जेन्युइन है या नहीं। एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड इन दिस फील्ड, सो यू कैन डू दैट थिंग, यू कैन वेरीफाई द ऑब्जेक्ट्स। सो इन इंडिया आई गेस इन मुंबई और दिल्ली देयर मे बी शॉप्स विच यू requires this art historians. Then third point is heritage management and cultural tourism are recently developed fields. See, whenever foreign tourists come, they need a guide and they need a whole India tour where they want to understand the culture and history of our India. So you can help them, you can earn money from that, you can tell them the history, and that is also a respectable job. So that is also a great opportunity after studying history. In this field, students of art can find many professional opportunities. Museums and archive management. आपको पता है कि काफ़ी पुरानी जो कीमती चीज़ें होती है वो म्यूज़ियम्स में रखी जाती है और पुराने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आर्काइव्स में रखे जाते हैं. सो यू कैन बी अ मैनेजर ओवर देयर, यू कैन डू मैनेजमेंट. एंड देन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च. यू नो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वहाँ पर भी आप एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हो एज एन आर्ट हिस्टोरियन. देन इंडोलॉजी आर सम ऑफ द रिस्पेक्टिव फील्ड्स इन दिस रिगार्ड. Applied art. What is art? You know that. But application, that is कि आप वो art को क्या कर रहे हो, apply कर रहे हो, तो उसको कहते हैं applied art. जैसे visual and performing arts जो हमने first part में पढ़ा, visual यानी paintings और performing यानी dance, ये जो arts है that are primarily looked upon as the means of entertainment for people. For example, if you take Bollywood, so that is a performing art where artists come and perform and make a movie and then we go in theaters and watch it. So that is a performing art. So it is for entertainment of people and that business is also doing great. The artist performs primarily with this purpose. However, there is scope to combine an artistic creation with utility value to make it economically viable. आर्टिस्ट जब कोई चीज़ परफॉर्म करता है तो उसका कोई पर्पस होता है क्योंकि उसको जो हिस्ट्री है वो बतानी है. हावेवर देयर इज़ अ स्कोप. क्या स्कोप है? जो आर्टिस्टिक क्रिएशन है वो आर्टिस्टिक क्रिएशन अगर हमें लाना है, जैसे मोहनजोदारो पिक्चर है, पानीपत पिक्चर है, तानाजी है, यह आर्टिस्टिक क्रिएशन हमें लोगों के सामने लाना है तो वो इकोनॉमिकली वायबल भी होना चाहिए. यानी क्या है कि जो सेट्स बनते हैं वो काफ़ी महंगे सेट्स होते हैं क्योंकि एक डिटेल्ड में उसका काम होता है. और जैसे आपको पता है कि राजा महाराजाओं के अगर दौर हमें दिखाना है तो हम छोटा एक सिंपल सेट नहीं बना सकते. इट इज़ अ ग्रैंड सेट. If you have watched Jodha Akbar, so it has grand set. So all these things have to be made economically viable. So that you can tell them that how you can do it. Then artistic creation with an utilitarian purpose is called as applied art. See, आपको आर्ट हिस्ट्री आपने पढ़ा है, आपको सारी चीज़ें हिस्ट्री की पता है आर्ट में, पर आप उसकी यूटिलिटी भी करना चाहिए, आपको उसको इस्तेमाल भी करते आना चाहिए जो आपका नॉलेज है, वही कहते हैं अप्लाइड आर्ट. देन इंडस्ट्री एंड एडवर्टाइजमेंट. आपको अगर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए है तो आप बॉलीवुड या फिर मीडिया वो इंडस्ट्री में जा सकते हो. एडवर्टाइजमेंट में इंटीरियर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट. अगर कोई पिक्चर की शूटिंग है एंड दे नीड सम ऑर्नामेंट्स फ्रॉम जोधा अकबर पीरियड और फ्रॉम मुगल एरा, सो यू कैन हेल्प देम दैट हाउ ऑर्नामेंट्स वेर यूज टू बी डिजाइन एट दैट टाइम एंड व्हाट मेटल दे यूज टू यूज फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट. सो यू कैन हेल्प देम एज एन हिस्टोरियन. यू विल देन आर्ट डिजाइन ऑफ स्टेज बैकड्रॉप्स, नेपथ्य, आर्ट डायरेक्शन ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन्स. इफ यू वॉच दूरदर्शन, देर आर मैनी हिस्टोरिकल फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज बनाए हैं उन्होंने, सो यू कैन ऑल्सो हेल्प देम एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टू डायरेक्ट देम. देन एट्रैक्टिव लेआउट्स ऑफ बुक बना सकते हो आप, मैगजीन्स, कैलीग्राफी, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स, इन्विटेशन कार्ड्स, कस्टमाइज स्टेशनरी, गिफ्ट ऑब्जेक्ट्स. सी, नॉट ओनली दे आर टेलिंग यू दैट कि आपने आर्ट हिस्ट्री पढ़ा तो आप सिर्फ हिस्ट्री के फील्ड में जा सकते हो. आर्ट बहुत वास्ट है. आप एनिमेशन में जा सकते हो, आप ग्राफिक्स में जा सकते हो, आप जैसे अभी मोगली पिक्चर आया था तो उसका जो पूरा डिज़ाइन होता है, जैसे उसमें बगीरा दिखाया था जो एक ब्लैक लेपर्ड या ब्लैक चीता कुछ तो था, तो वो सारे जो पूरे एनिमेशन जो करते हैं, डिजिटल ग्राफिक्स होते हैं, तो ये भी आर्ट में आता है. आप अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहोगे, यानी किसी का घर है और वो आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी, दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट फील्ड एंड यू कैन अर्न tons of money over there. So this all comes in the art. So after 10th you can decide that if you want to go in arts for you. Then the field of architecture, photography are also part of applied arts. जो भी photography का शौक रखते हैं, जिनको photography करना पसंद है, so they are also artists and they also can learn in, they also can go in New York to learn film, how to make films, how to be a director. If you have good amount of backup money, then you can go, and if you don't have, then you can take educational loan and go to New York and learn the film making. So vast opportunities are there in art. This is also used for various things, as we have studied that ornaments बनाते हैं, artistic creation of metal होता है, earthen pot with colorful designs. कोई जो होता है और अर्दन पॉट्स जो होते हैं उसको कलरफुल डिज़ाइन करके भी बेचते हैं. इसमें भी काफ़ी आप अब मतलब डे टू डे लाइफ में आप ऐसी चीज़ें नहीं देखोगे, पर एक्चुअली ये जो शॉप्स होते हैं वो काफ़ी महंगे ये आर्टिस्टिक क्रिएशंस बेचे जाते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंस है. बहुत शौकीन लोग हैं इंडिया में हु लाइक्स टू बाय दिस थिंग्स. सो वन कैन गो ओवर देयर. देन ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं केन और बैम्बूज से. देन ब्यूटीफुल ग्लास ऑब्जेक्ट्स, जो आपके ग्लास होते हैं तो उसको भी अलग अलग टेक्सचर या अलग अलग पेंटिंग्स डिज़ाइंस करके बेचे जाते हैं. देन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, आप फैशन डिज़ाइनिंग में भी जा सकते हो. अगर आपने मनीष मल्होत्रा का नाम सुना है, बॉलीवुड के टॉप फैशन डिज़ाइनर है, तो ये सारे जो है बड़े बड़े कलाकार उनके पास से ही कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन करते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्ट. सो दिस इज़ ऑल अंडर द आर्ट्स एंड this is a glamorous field, as you know, and you can get fame, money, everything in arts. So while choosing science and commerce, one should also keep in mind that in arts there is lot of opportunities. One should study in it. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.